तो धोखेबाज हो। एक एक शब्द लिरिक्स का, एक एक शब्द महसूस हो रहा था अंदर से, अंदर से। तुम तो धोखेबाज हो, प्रपोज करके भूल जाओ। और क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव एक्ट था, इसमें कमेंट्स नहीं होंगे। लेकिन सुनीता जी, कैसा लगा आपको? चिराग, मैं बार बार आपके बारे में एक ही बात सुनती हूँ, आपको बार बार रिजेक्शन क्यों मिलता है? आपको प्रपोज करना नहीं आता क्या? अब कुछ गड़बड़ करते हो आप यार। हाँ, मतलब मैं सिखाऊं आपको? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पहले आपका टेस्ट लेती हूँ, टीना को प्रपोज करके दिखाओ। मैम बिल्कुल। आओ इधर आओ। शरेआम बेइज्जती। मैंने कुछ चार लाइनें सोची थी आपके लिए, तो ओ मेरी टीना। वाह क्या शायराना अंदाज है, वाह। ओ मेरी टीना, तेरे बिना मुश्किल है मेरा जीना, तुझसे पूछना तो दूर, तुझे देख के ही निकलता है पसीना। ओ मेरी टीना, तेरे बिना मुश्किल है मेरा जीना। उनके पापा वहां खड़े हैं, फाड़ देंगे आपका सीना। ए यार पसीना, ये क्या है ये सब यार, इतना यहाँ माहौल में बास आने लगा इधर। मैंने बहुत दिल से लिखा था। आउटस्टैंडिंग। गा के मैं सर को मतलब सुनाना चाहता हूँ। सर को मेरे साथ नहीं लफड़ा है। वहां लाइन मार। सुनो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाए। मेरे को लगता है सर मैम, हमें टीना जी से पूछना चाहिए कि आप इन्हें कैसे रिजेक्ट करना चाहें। नहीं नहीं रिजेक्ट मत करना प्लीज। ओके अरे यह तो जज्बाती होगी। नो आई विल फाइट फॉर चिराग। इसी खुशी में कर दीजिए। इतने स्वीट है, इतने स्वीट बॉय है, लेकिन इनको देख के ना मुझे वो भाई वाली फीलिंग आती है। ओहो अब तक तो फ्रेंड जोन हो रहा था, अब भाई जोन हो गया। चिराग मैं लिख कर देता हूँ, तुझे ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो हर किसी को जलन हो जाएगी, ऐसा देखना याद रखना। क्या बात है, अच्छे हैं। किसने बोला?